जी 191 पे जाके छुट्टी हो गई। कमाल की टीम है भाई अपनी, कमाल की टीम है। 155 पे दो और 191 पे पूरी टीम फारिग। म्यूजियम में रखना चाहिए ऐसी टीम को और टिकट लगना चाहिए, टिकट दे लगा के लोग जाके देखें इस तरह की टीम को। कोई सेंस नहीं है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है भाई। इतना भी क्या प्रेशर हो गया, इतने हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई इतनी सेंसलेस क्रिकेट कैसे खेल सकता है। 155 पे दो और अगले 36 रन पे आपकी 8 विकेटें गिर गई हैं यार। मतलब आप कहां से उठ के चले गए खेलने। ठीक है ओकेजन बहुत बड़ा है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में भी तो बल्ला है। 155 पे पहुंचे हो दो आउट के साथ, तो ऐसा क्या हो गया वहां पे? कोई गेम अवेयरनेस की कोई सूरत हाल होती है? अब हर टीम नेदरलैंड्स तो नहीं है, नेदरलैंड के खिलाफ भी टॉप के 6 आउट होकर चले गए 180 पे, अगले 4 विकेटों ने उसमें रन डाल दिए 90। तो उस दिन भी आपको बोला था ये कोई अच्छी और तगड़ी टीम ने यहां से अगर पकड़ लिया ना, तुम्हें अच्छी और तगड़ी टीम ने अगर यहां से पकड़ लिया 6 टॉप के आउट कर दिए 32-35 ओवर में, तो मैं देखूंगा कि आप पूरे 50 ओवर कैसे खेल जाएंगे। ठीक एक मैच के बाद, नेदरलैंड के बाद एक मैच इन्होंने खेला श्रीलंका वाला, उसके ठीक बाद आज वो बात साबित हो गई है। बड़ी टीमें आपको यहां से कैसे निकलने देंगी? 36 पे 8 आउट। यार हार जीत होती है, ठीक है हमें पता है, पहले 7 दफा हारे हो, 8वीं दफा हारोगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी, लेकिन कोई गेम तो होती है यार, कोई मुकाबला तो होता है, कोई बिल्कुल तुम लोग तो वहां पर सुरेंडर करके बाहर निकल के आ गए हो। 155 तब तक खेल रहे थे, ठीक है बाबर रिजवान लगे हुए थे टुक टुक टुक, अपना 50 किया, जब अगला 50 टीम के लिए करना है, एक सेंसलेस किस्म की शॉट खेल के बाबर आउट, उसके बाद तो फिर आप कहानी मत पूछिए। सऊद शकील स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता भाई, कुलदीप ने ऐसे उंगलियों पर नचा के बाहर कर दिया, चलो जाओ शाबाश। कुलदीप से बच रहे हैं, उससे बचे हैं तो बुमराह आ गया, बुमराह शादाब गेंद की लाइन कहां है, बल्ला कहां है, रिजवान उसको डिसीव किया है। सारे कोई किस किस का नाम लें, किस किस का नाम लें और किस किस की बात करें कि किस किस ने क्या क्या गुल खिलाए, कोई गेम अवेयरनेस की बात है यहां पे? भाई तुम्हारा 155 हो गया है, अभी ठीक ठाक 20-22 ओवर रहते हैं और तुम गेम को आगे लेके जाओ, तुम वहां से 325 के 335-340 का सोच रहे हो, और पहले 250 का तो सोचो, 270 का तो सोचो, ये अच्छा था या ये अच्छा है? ये अच्छा था कि आप 270 75 80 पे सेटल डाउन हो जाते, या ये अच्छा है कि 200 भी नहीं आया और रुसवाई भी करवाई अपनी? या बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर कब बनेगा यार? ये 50 आया ठीक है, लेकिन बीच में आपने देखा कितना फंस फंस के खेल रहा था, 5-5 डॉट गेंदे भाई, 4-4 फील्डर तो दायरे के बाहर है, तो तुम दायरा भी नहीं टपा सकते, 5-5 गेंदे डॉट बॉल जडेजा की, 5-5 कुलदीप की, समझ नहीं आ रही क्या करना है। जब चलो गिरते पड़ते ठीक है, 58 गेंदों पर 50 रिस्पेक्टेबल किस्म का 50 कर लिया, तो वहां से आगे तुम्हारे रन शुरू होते हैं। पहली दफा 50 किया इंडिया के खिलाफ भाई, 50 ही करने की करके दिखाना था, अगली गेम किसने चलानी थी, आगे मैच को किसने लेके जाना था, यह कोई तरीका है? यह क्लब की टीम उठा के ले गए यहां से 36 पे 8 आउट, ऐसा तो नेदरलैंड भी ऐसा नहीं कोलैप्स करेगा, नेदरलैंड भी ऐसा कोलैप्स नहीं करेगा जो एसोसिएट टीम आई हुई है। कोई थोड़ा सा कोई शर्म हया होती है भाई, इतने लोग तुम लोगों को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अपना मजाक बनवा रहे हो, अपना क्या पूरी टीम, हर बंदा यहां पे कह रहा बंद करो टीवी, लानत भेजते हैं इन पे, इनकी ये परफॉर्मेंस है। अब दुआ करो कि 10 विकेटों से ना हारो, जो तुम लोगों की परफॉर्मेंस है, हारना तुम्हें 10 विकेटों से चाहिए ताकि थोड़ी शर्म हया आए जाके आप लोगों को। 155 पे यार 2 आउट, कौन सी टीम है ऐसी? ये तो क्लब लेवल की टीम भी यहां पर जाके इस तरह नहीं आउट होती। 155 पे 2 और 200 भी नहीं किया, 36 पे आगे आउट हो गए, ढेर हो गए पूरा, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं, हथियार फेंक के वापस आ गए। और क्राउड ठीक है आपका वहां पे नहीं है, सारा उनका क्राउड है, लेकिन 155 तक भी तो वही थे, तो ऐसा क्या हो गया यार? ये कोई मैच है? मैच खेलने गए हैं वहां पे, अजीब ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जी मौसम साहब आपने 70% बिल्कुल सही दिया था, जो 70 दे रहा था, 80 दे रहा था, 90 दे रहा था, सही दे रहा था,
ये हम ही बेवकूफ लोग हैं जो 55-60% अच्छा कर जाएंगे, बेहतर हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये है जी इनका पूरी सूरत यार। जी जनाब 155 पे दो और आगे जो दोस्त साथ मौजूद हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। एटलीस्ट वी डू अवर जॉब प्रॉपरली, हम तो अपना काम मेहनत से कर रहे हैं। अगर ये हरामखोरी पे उतरे हुए हैं, अगर इन्होंने मेहनत नहीं करनी वो इनका काम है, बट वी डू अवर जॉब विद डेडिकेशन। दैट वुड बी नाइस इफ बिफोर मूविंग माय स्टार्ट्स इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जी मोहसिन अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये मैच आपको दो शो हमने किए आज एक घंटे के अंदर अंदर। आपको कहा था रोहित शर्मा की कप्तानी जो होगी ना, आपने सारी बातें कर दी लेकिन आपने रोहित शर्मा की कप्तानी को नहीं लाए। जो सिराज मार खा रहा है उस सिराज को लाए और गेम यूं चेंज की उसने, द गेम चेंजर रोहित शर्मा की यहां कप्तानी की अगर तारीफ ना की जाए तो यह बहुत बड़ी ज्यादती होगी। यह कप्तानी का ठीक है, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, दबा के रखा था, LBW भी कर गया था, अंपायर्स कॉल पे बच गया बाबर आजम, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा की अगर तारीफ ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। रोहित शर्मा ने यह बाजी पलटी है 155 पे दो से 191। आप बड़े खुश होते थे ऑस्ट्रेलिया में 36 पे ऑस्ट्रेलिया में आउट हो गया इंडिया एडिलेड में, ठीक है जी। तो भाई जी ने आज 36 में आपकी 8 विकेट इंक्लूडिंग योर कैप्टन। दो बातें हैं इसमें, पहली बात तो ये I am very disappointed। हम बड़े खुश थे कि प्यार मोहब्बत का एक सफर शुरू हुआ है, लेकिन आज मां बहन की गालियां दी जा रही है गुजरात के ग्राउंड में। यार ये मतलब पाकिस्तान की टीम वहां गालियां खाने के लिए गई है, बंदे को थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। वेरी सॉरी, इतने मोहब्बत दोनों तरफ रोड पे क्रिकेट हो रही थी, अगर नहीं आउट हो रहे या आउट हो रहे हैं तो आप गालियां देंगे इन, तो फिर हम यहाँ पे किस तरह लोगों को समझाएंगे कि यार ये कोई तरीका नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, ना कि स्पोर्ट पाकिस्तान को। 1 लाख क्राउड में अगर 2-4-10 नहीं पाकिस्तान को वो भी सपोर्ट करेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन आई एम सॉरी, ये अच्छी जो आपने इतना जबरदस्त काम किया वो यहाँ पहले बुइंग करते रहे आप टॉस पे, जब बाबर आजम और चले जी छोड़े, अब इतनी गंदी गालियां, थोड़ा बंदे को थोड़ा सा, पूरी दुनिया में ये विजुअल जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आए, सारी दुनिया जाए। आप बहुत अच्छा खेले हैं इसीलिए आपको 70% मैंने, इन्होंने भी 60 था, ये भी थे, पता इन्हें भी था, लेकिन इनका मूड क्यों गए? पाकिस्तान जो है आपका मुल्क है, हिंदुस्तान आपका मुल्क है, ऑब्वियसली मुल्क जो है अंदर धड़कता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इस मामले में जितना भी न्यूट्रल हो जाए, जब आपका मुल्क खेलेगा तो आपके जज्बात बाहर आएंगे। तो मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा ने यह सारा प्लॉट जो है बनाया और पाकिस्तान को देखे, बाबर आजम उसको सीधे, हालांकि गावस्कर साहब कह रहे हैं ये डिलीवरी है भाई, सीधे बैट से खेलता ना जाता, घटिया शॉट खेल के आउट हुआ बाबर का, क्या शॉट खेला वो बाबर का आउट होना, यह रोहित शर्मा की कप्तानी का कमाल है। मैं देखता हूं आपका कप्तान क्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे भी डर लग रहा है कहीं 10 विकेटों के साथ ये डेमोलेशन ना आ जाए, मुझे खुद भी डर लग रहा है। अब देखें अगर पिच 155 तक इतनी अच्छी है तो 36 रन में पिच कैसे खराब हुई? पीछे जाके चाचा इफ्तिखार वो देखे सऊद शकील, अंपायरिंग आज इतनी को घटिया, इतनी हालांकि हमारे हक में गई है, ऐसा बंदा बेकार, बेकार इतनी थर्ड क्लास, इतनी बेकार, इतनी घटिया, ऐसी अंपायरिंग से तो ना हो अंपायरिंग वो अच्छा होता है। बात आपने ठीक की है, लेकिन देखे चलो क्राउड जैसा भी हो, गालियां यार बहुत बकवास बात है यार, ये कोई तरीका नहीं है। मौसम मैंने वीडियो दिखाई है, आपकी टीम अच्छा खेल रही है, तारीफ कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। खैर कुछ गंदे अंडे हर जगह होते हैं, हम सबको उसमें काउंट नहीं करते, नहीं सब, लेकिन हमने तो बताया, लेकिन अगर क्राउड वहां पे है तो इनके पास बल्ला नहीं है, ये बल्ले से चुप कराए ना, मारे दो चौके, मतलब बीच बीच में इन्होंने जो थोड़े से रन किए हैं, थोड़े थोड़े से जो बीच में रन किए हैं, तो क्राउड जाहिर बीच बीच में खामोश भी हुआ। ओ भाई जब तुम 36 पे 8 आउट हो जाएगा बेशर्मों की तरह तो क्राउड तो हॉस्टाइल हो जाएगा, वो तो और भी बोलेगा जी इस टीम के लिए हमने इतने पैसे खर्च करके, इतने धक्के खा के हम ग्राउंड में घुसे हैं, इतनी मुश्किल से जिस टिकट के पीछे, ऐसे लगे होते जैसे जन्नत का टिकट है ये मैच देखने के लिए, ये देखना था हमने, ये तमाशा देखना था।
अभी 30 ओवर पूरे नहीं हुए, 155 है, 8 विकेट हाथ में, आप रन अप बॉल यहां पे डालिए, रन अप बॉल पे डालिए, 275-280 रन बनते हैं। ज्यादा तेज मत खेलो, जिस तरह खेल रहे हो उसी तरह ही खेल जाओ। 30 ओवर नहीं हुए थे अभी, वो 30वें ओवर में आउट हुआ जाके बाबर आजम, 155 बोर्ड पे है। तुम आगे हिसाब लगा लो, 20 ओवरों में तुम रन अप बॉल करो 275-280, 275-280 में कुछ तो मैच तो बनता, 275-280 में यार कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पास होता बॉलिंग करने के लिए। ऐसी बेशर्मों की तरह तुम लोग वहां पे हथियार फेंक के आयो, अपने बल्ले फेंक के आयो, मुंह उठा के, कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है, कैसे रोकना है, कैसे आगे रन को लेके जाना है, पूरे ओवर कैसे खेलने हैं। तो बेटा हर टीम नेदरलैंड्स नहीं होती, उस दिन भी तुम 6 आउट हो गए थे 180 पे, 6 आउट हो गए थे, वो आखिरी 4 बॉलों ने रन कर लिए। तो उस दिन शादाब और नवाज के सामने नेदरलैंड के बॉलिंग्स थे, कर गए 35-35, 40-40। आज आगे बुमराह था, आज आगे बाकी जनाब कुलदीप यादव और पांड्या वगैरह थे। अच्छी टीम आपको वहां से ना निकलने देती, जिस तरह के होल में आप घुस जाते हैं, चूहे वाले होल में। नेदरलैंड से 6 आउट 80 180, 32 ओवर का खेल हुआ था उस दिन। क्या सीखा तुमने उस मैच में से क्या सीखा इन्होंने, फिर उसी तरह ही आउट होके वापस आ गए हो भाई, 8 विकेट 36 रन पे, हाउ यू कैन इवन इमेजिन यार, 8 विकेट 36 रन में। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली 29.4 30वें ओवर की चौथी गेंद पे बाबर आजम आउट हुआ, रन से 155, 122 गेंदें अभी रहती थी। तुम थोड़ा सा अच्छा प्लान करते, बहुत ज्यादा लालच में ना आते, इनिंग्स को आगे लेके जाते, शायद कुछ बेहतर हो जाता। तो भाईजान स्किल सेट में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है स्किल सेट में, टेम्परामेंट, प्रेशर, और बड़े मैच का प्रेशर है। ओ यार तुम थोड़ा सा 155 तक भी तो तुम ही खेले हो ना, या कोई और तो आगे नहीं खेला, तो थोड़ा गेम को आगे लेके जाओ। गेम अवेयरनेस जीरो, बिल्कुल जीरो गेम अवेयरनेस। बाबर आजम फंस फंसा के खेला, वो शुरू में पांड्या को 2-3 अच्छे चौके उसने मारे जब आया, बीच में जैसे स्पिनर आए 5-5 डॉट बॉल्स जडेजा की, 5-5 कुलदीप के सामने वो बिल्कुल बेबस था। एक चौका वो कुलदीप ने कोई फुल टॉस मार दी, वो ऑफ साइड पे आगे फील्ड लिखा, दायरे से निकल गया, वो चौका हो गया, बाकी कुलदीप के सामने बेबस। तो क्या सीखा है कुलदीप ने तुम्हें आउट किया 2018 में, 2019 में तुम बिल्कुल चारों शाने चित तुम्हें आउट किया, तुमने क्या तैयारी की है 4 साल, आज भी आउट कर दिया था, आज भी अंपायर्स कॉल पे बचत हो गई, आज भी अंपायर्स कॉल पे बचत हुई है। तो 4 साल नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन कुलदीप तो खेला नहीं जा रहा, कुलदीप के सामने तो बैटिंग नहीं हो रही, तो नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन 4 साल में क्या सीखा है, बल्कि 4 नहीं 5 साल डालने। एशिया कप 2018 में भी इसी तरह ही आउट हुआ था, 19 में भी इसी तरह ही आउट हुआ था। तो क्या सीखा है, क्या पहले नंबर की रैंकिंग का आचार डाले कि जब तुमसे एक ही बॉलर बार बार खेला नहीं जाता, बिल्कुल घुसे हुए थे, बिल्कुल बिल में टेक, कई दफा बीट हुआ है भाई, दायरे में एक स्लिप में फील्डर लिया हुआ, 5 तो दायरे फील्डर अलाउड होते हैं 11-40 ओवर के बीच में, 5 फील्डर अलाउड होते हैं भाई, एक तो स्लिप ली हुई है, और बाकी कितने लोग खड़े हुए हैं, 2-3 लोगों को भी तुम गैप पे नहीं निकाल के सिंगल ले सकते, बिल्कुल बेबस किया हुआ था। और जब गिरते पड़ते इतनी मेहनत करके सिंगल डबल कुछ ना कुछ बीट डॉट करते गिराते, जब आ गया मौका, जी ठीक है 30 ओवर 155 ओके, 2 खिलाड़ी आउट है, अब यहां से इनिंग्स को बिल्ड करना है, 7 ही आउट होके निकल गए। और रिजवान को देखें, दूसरी तरफ से आउट हो रहे हैं, उधर ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या हो गया ये, क्या हो गया, जब खुद सामने आया डंडे वहां पे पड़े हुए, बुमराह आके उसने शादाब के भी और रिजवान के भी दोनों के बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया साइड पे, तो कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल वन साइड। हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा एंड बॉलर, रोहित शर्मा को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जिस दिन मिकी आर्थर को कॉम का बाप बनाया था ना इस नजम सेठी ने, और जिस दिन मिसबाह उल हक को लेके ऑन बोर्ड आया था जका अशरफ, ये मुल्क अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो क्या है? इससे कोई पूछने वाला है? पूरा खानदान लेके ये वहां गया, इनसे कोई पूछने वाला है कि हम जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ क्या किया, सच बोलने की ये तकलीफ है कि हमारे एक्रेडिटेशन रोक लिए जाए, सच बोलने की ये सजा है कि हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए, तो ये सच
सारी जिंदगी बोला हूं, जिंदगी के अख्ताम पे हूं, आज मरूंगा कल दूसरा दिन हो जाएगा, 54 साल मेरी उम्र होने वाली है। मैं ये पूछता हूं, इस मुल्क में कोई कानून है या सिर्फ गरीबों के लिए है? उनका जेल में तुम हो या है कोई कानून? मुझे बताएं, ये टट्टू मट्टू ये ईमान पर्ची है कि नहीं? आज बताएं, इतनी सीधी विकेट थी, आज भी रन नहीं हुए, वो आउट हुआ। और जब बाबर देखे, बाबर आजम तो वो रिजवान भी बच गया, वो लपेटा शुरू में ही आउट हो गया था, वो तो अगर रिव्यू ना लेता लपेटा भी वारिक था। अब्दुल्ला शफीक 100 डेब्यू मैच पे मारा है, डेब्यू उसको सारी जिंदगी चाटे। देखे आज फिर 43 वाले पहले T20 में आप ऑल आउट हो जाते हैं, टेस्ट में आप ऑल आउट हो जाते हैं, वनडे में आप ऑल आउट हो जाते हैं। ये जो आपने सुपर मारियो कोच लाया है, लाखों करोड़ों इंजमान गया है, वह टैटू यूट्यूबरिया जो कराची में बैठा हुए हैं, कई और कई जर्नलिस्ट इंजमान चला गया, वो जाके जनाब आप इनको बैटिंग सिखाए, ये बैटिंग सिखाई है, ये टीवी चैनलों में बैठ के सिखाई है, ये उसका भतीजा आपने खिलाया। यहाँ पे आप ईमानदारी से देखें, ये बच गए हैं, ये बच गए हैं, किसी ने भी बात करनी, 2 ओवर का ठाकुर है, 2 ओवर किए ठाकुर ने, 2 ओवर अगर ये पूरे ओवर खेलते ना आप 43 वाले, तो कहीं ना कहीं इनको फंस जाना था। लेकिन सब अच्छा, देखे आपका मुकाबला, ये इंडिया को कह रहा हूं, पाकिस्तान से नहीं है बाजी, क्रिकेट में आपका मैच या लाइफ में भी हमसे है ही नहीं, आप पागल हैं, हमसे मुकाबले कर रहे हैं। अरे भाई, हम वो टीम है जो किसी भी टीम को आसमान में ले जाती है, अगले ही दिन जो फ्लॉप हो 155 पे 2, ट्विटर पे आग लगी हुई थी, ये 600 होंगे, ये 400, मैं कहा हौसला करें, ये पाकिस्तान की टीम है, थोड़ा सा हौसला करें, ये ले 36 पे ऑल आउट। मतेश कहें जी, हाउ डू यू लूज 8 विकेट्स इन 40 रन्स ऑन दिस ट्रैक, 36 पे 8 आउट हुए जी, बुमराह वाज अमेजिंग ऑन अ फ्लैट ट्रैक मेकिंग थिंग्स हैपन, कुलदीप जडेजा आल्सो ग्रेट, सैड पापा, भाईजान सैड की इसमें, अब आप क्या सैड फील करेंगे इसमें, आपका क्या बनता है सैड फील करना, यू शुड बी हैप्पी फॉर योर टीम, क्या आपकी टीम ने इतना अच्छा कमबैक किया, 155 पे एक टीम के 2 आउट हैं, वहां से 191 पे पूरी टीम फारिग हो गई है, तो व्हाई यू आर फीलिंग सैड, आपका कोई नहीं बनता यहां पे सैड होना, आप इंजॉय करें, आप खुश हो, आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, हैट्स ऑफ टू बुमराह, हैट्स ऑफ टू कुलदीप, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, द वे ही मार्शल हिज ट्रूप्स, जो बॉलिंग उसने चेंजेस किए, तमाम चेंजेस उसके बॉलिंग के शानदार बेहतरीन है, और हमारे वालों का तो खैर क्या ही कहना इनका, इतनी ये बेहतरीन किस्म की इनकी पर जो परफॉर्मेंस है वो तो आपके सामने ही है, तो आप आई डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग सैड, यू शुड बी डिलाइटेड, ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ कि हम ही इनको इस तरह बैक करें, ऐसा लग रहा है कि पिछले मैच में ये जीत के नहीं आए, ये 350 वो कोई और टीम थी जिसने इतना अच्छा प्लान करके 350 चेज कर लिया, भाई साहब वो श्रीलंका की बॉलिंग थी, ये इंडिया की बॉलिंग है, यहां 150 पे 2 आउट हो, 155 पे 2 और 191 पे 8 आउट हो गए हो, तो वो टीम लगता कोई और थी जिसने चेज कर लिया, अब सारे ही एक से बढ़ के एक नमूने आउट हुए, अब्दुल्ला शफी को देखें, आप दो सीधे बल्ले से हल्के, श्रीलंका की टीम में बॉलर कोई नहीं, नीदरलैंड की टीम में कोई बच्चे हैं, आज तो आपका मैच था रिजवान हैदर, आज मैच था 155 पे 2, या तो हो ना कि 20-25 पे आपके 2 आउट हो गए हैं, 73 पे दूसरी विकेट गिरी है, कोई ओपनिंग भी 41 की मिली है, इतना भी जुल्म नहीं हुआ कि आपके इतने अच्छे, आपका इमामुल हक 3 बाउंड्रियों से आगाह किया, अगली 34 बालों में उसने कोई 12-14 रन बनाए, ये है आपके ओपनर, ये है आपकी, देखे अच्छा ये टीम मैनेजमेंट जो है, मुझे बताए कोई दुनिया क्रिकेट में बोर्ड अपनी पूरा चेयरमैन या प्रेसिडेंट अपनी फैमिलियां लेके इतने क्रंच मैच पे जाता है, गाली देना बहुत काम गलत है, लेकिन इसकी वजह से आपने टीम की कमजोरी को नहीं छुपा सकते, बिल्कुल नहीं छुपा सकते, बिल्कुल एक्सपोज हो गए, चारों खाने चित हो गए, आर्गुमेंट कर ही नहीं, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं इन्होंने, कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है, कोई थोड़ा सा कोई शर्म हया होती है, भाई ये तुम क्रिकेट पूरी
पूरी दुनिया लगी इस मैच को खेलने के लिए। तो मिसबाह इंजमाम उल हक वहां होता, शर्म यहां होती तो मिट्टी आर्थर को बाप बना दिया जाता, शर्म यहां होती तो जो टीम फिक्सिंग में पकड़ी गई है उसके दो लोगों को मेन रोल दिया जाता, ये शर्म यहां होती है, ये टीम बनाई जाती है, क्या बात कर रहे हो। ब्रैडमन उसको तो आपने बंद बना दिया, बंद। असल ये मिट्टी, मेरे पास प्लान है, तेरी प्लान है तेरे पास। सेना कहना जी, अगर किसी ने गाली दिया तो वो सॉरी करते हैं, और जी जी कुछ गंदे अंडे होंगे, जाहिर है कि सब लोग तो ऐसे नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। कल्पेश अद्वान कहने में इन हमेशा क्लोज मैच, यार देखें आपके जो मैसेजेस हैं मैं बस स्क्रीन पर दिखाता हूं, क्योंकि अपनी इमोशन है, अपनी बात करने का दिल चाह रहा है, जो जिस तरह इन्होंने हरकत की है, मैसेज सारे आपके वो ही हैं जो हम भी बातें कर रहे हैं, बीच बीच में आपके मैसेज भी कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम मैं पढ़ सकूं, क्योंकि बीच में रिदम टूट जाता है। और एनीवेज आप भी ये कहें जी इंडिया नाउ पाकिस्तान इज लाइक, बिल्कुल जी, इंडिया के सामने पाकिस्तान समझे के बिल्कुल मिनोज वाली परफॉर्मेंस, छोटा बच्चा मिनोज वाली परफॉर्मेंसेज है। एशिया कप में जलीलो ख्वार होके आए, 228 रन तो बड़ी शिकस्त आई है। तो इंडिया के सामने तो पाकिस्तान के ऐसे हाथ पांव फूल जाते हैं, बिल्कुल कोई मिनोज की टीम है, कोई बच्चों की टीम है, कोई छोटी टीम जैसे आ गई खेलने के लिए, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है इनकी। ये क्या खेलेंगे यहाँ पे जाके, इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। सिंह नंगला साहब भी कहेंगे आई वॉज डिस्कसिंग विद माई डैड इन द स्टार्टिंग ऑफ द मैच दैट ऑन दिस पिच इंडिया कैन चेस अंडर 350 नॉट मोर देन कॉस पिच वॉज गुड। भाई मुझे 300 प्लस की उम्मीद, और भाईजान 300 प्लस यहाँ पे क्या, हम तो 200 वाली भी हमारी औकात नहीं है, अब हमारी 200 वाली भी औकात नहीं है, 300 को आप तो, मैं भी सोच रहा था कि 155 पे दो आउट है, 30 ओवर में भी अभी होने वाली है, दो गेंदे बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये बेहतर कर जाएंगे, 300 को शायद टच कर जाएं। लेकिन हमें क्या पता था कि भाई ये हमारी टीम है, ये इनका मयार है, ये इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। और 228 यार, तुम हार गए वो मैच, भाई ठीक है हार गए, बुरा दिन है, अब वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ जाएगा, अब जब तक तुम क्रिकेट खेलोगे उसमें से बाहर नहीं निकलना है तुमने। 228 पे आउट हो गए हो, 228 की शिकस्त आ गई है तुम्हें सबसे बड़ी आज तक की, तो उससे बाहर नहीं निकलना या उसी कड़े में पड़े रहना है। और टीमें बाहर निकलती हैं, इंडिया 36 पे आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद वहां से सीरीज जीत के आया, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मुंह में हाथ डाल के सीरीज निकाल के लेके आया 36 पे आउट होने के बाद, सेम सीरीज में, दो साल बाद नहीं उसी सीरीज में, तुम्हारे तो एशिया कप में एक महीना हो गया, उसके बाद तुम दो मैच बेशक हल्की टीम से ही जीते हो, जीत के तो आए हो, 350 चेस किया, और कॉन्फिडेंस कहां है तुम्हारा, कॉन्फिडेंस कहां है कि जो इंटरनेशनल टीम के साथ जाता है, 350 तुम चेस करके आए हो, थोड़ी सी कोई शर्म आया करो, कोई थोड़ा सा तो बेहतर खेलने की कोशिश करो, 150 पे दो आउट है, 190 पे पूरी टीम लटक गई है, ऐसी भी क्या वहां पे कोई डीमंस निकल आए थे पिच में से, या कोई बदरुए निकल आई थी जो गेंद को पकड़ के अंदर विकेट में ले आते, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। जी समीर भाई, आपके मैसेज आए हुए हैं और आपका पता ही, आप कह रहे हैं जी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और ये सारी बातें, वो नो वन प्लेड टू विन, एवरीवन प्लेड टू सर्वाइव, नो टीम ग्लू नहीं है, इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल जी, अपोलोजाइज फॉर एनी इंडियन मिसबिहेव, चलो जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वो बस दो चार गंदे अंडे होते हैं उनकी वजह से बाकी लोग भी बदनाम होते हैं। ने भी उन्हें मना किया, उन्होंने कहा इंसान बनो, हम अप्रिशिएट करते हैं, गंभीर साहब को सलूट करते हैं। और इसके अलावा भाई जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल इतनी पथेटिक परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, वेरी सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ द फ्यू 100 लूजर्स हु वर डिसरिस्पेक्टिंग पाकिस्तान टीम। आशीष पुन्ना जब, थैंक यू वेरी मच, बस थोड़े से होते हैं कुछ घटिया लोग, आप तमाम दोस्तों, जाहिर है कि आप दोस्तों से प्यार मोहब्बत का रिश्ता है हमारा, और लानत भेजे उन पे जिन्होंने इस तरह बकवास किए। आप भी बना रहे थे मोहसिन साहब, आप भी बहाने बना रहे हैं, वो अलहदा बात है, ये अलहदा बात है, मैच की परफॉर्मेंस की बात हो रही है भाई, वो अलहदा बात हो रही है, गालियां पड़ रही हूं, फिर मैं पूछूंगा बहाने बना रहे हैं। रिस भाई एंड मोहसिन सर, रियली सॉरी अबाउट द पैथेटिक बिहेवियर ऑफ सम स्टूपिड पीपल, चले जी छोड़े उनको, लानत भेजे उनको, कोई और बात करें, क्रिकेट की बात करें। वैभव गुप्ता जी कहें जनाब, सर ग्राउंड से लिख रहा हूँ, हसन अली
कि आउट होने को यहाँ कोई इंजॉय नहीं किया, उल्टा दुख हुआ कि वो क्या कर रहा है, उस टाइम क्या जो थी वैसे शॉट खेलने। भाई ये सारे जैसे हैं, ये सारे कोई दुनिया में इन्हें पूछने वाला नहीं। सिकंदर बाग तो ये सारे खुश हो जाए, मिठाइयां बांटे के पाकिस्तान की टीम जलील हो रही है। नजम सेठी को 500 तोपों की सलामी दे, ये इस्लामाबाद का जो ट्विटर किंग है, क्रिकेट में कैंसर है, इसको 1500 फौजों की दे सलामी। गुप्ता साहब आप तो हसन अली, आप जो नंबर 9 पे आ रहा है खेलने के लिए, आप उसका रोना रो रही, और उससे क्या उम्मीद थी। अगर आप जो गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं वैभव गुप्ता साहब, तो गेम अवेयरनेस ऊपर वालों में कहां थी। साउथ की स्पिन का जी बहुत अच्छा बैट्समैन, हमने भी तारीफ की, आज मौका था अच्छा खेलने का, वो बिल्कुल प्लम आउट हो गया, अंपायर ने नहीं दिया वो रिव्यू पे आउट सीधा। भाई आज मौका, आज तुम कर जाओ ना 50 गेंदों पे 50। बाबर आजम आउट हुआ है, अभी पूरे 20 ओवर रहते हैं, ठीक ठाक 120 गेंदों में से तुम खेल जाओ ना 50 गेंदे, और 50 गेंदों में 50 कर जाओ ना वहां पे। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है वो आउट। उसके बाद इफ्तिखार चाचा साहब आए हैं, एक गेंद गंदा मिल गया, चौका मार दिया, ठीक है। गेंद जितना बाहर है लेग साइड पे, जाने दे वाइड बॉल है, वहां पे तुमने पार्टनरशिप लालच में आ गए। वो लोग बाहर वाली गेंद को चौका मार के बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं, वो बाहर वाली गेंद को कह रहे जी कहां जा रही हो, इधर आ जाओ, वो ग्लव्स के साथ लगा के विकेटों में ले आए, डंडे उड़ गए। उसके बाद जी रिजवान साहब कटन मारा बुमराह ने, पता ही नहीं लगा ऑफ स्टंप बाहर है। शायद आप देख भी रहा है, देख के आया होगा ना कैसे रिजवान आउट हुआ है। शायद आपका बल्ला कहां है, गेंद कहां है, गेंद की लाइन में आया नहीं ऑफ स्टंप का ऊपर, वो फिर बुमराह ने उठा के फेंका, चलो शाबाश। ये नेदरलैंड नहीं है जहां पे आगे तुम 30-35 रन कर जाओगे। फिर जनाब नवाज की बारी आती है, नवाज से सिंगल हो नहीं रहा, सिंगल हो नहीं रहा नवाज से, लगा हुआ है टेक टेक, चलो ठीक है समझ आ रही है। और अभी पूरे 10 ओवर रहते हैं, तो 10 ओवर में कोशिश करके जी 35-40 रन कुछ मैं जोड़ लू हसन के साथ कुछ कर कर आके, वहां पे वो भी पांड्या को मारने के लिए निकल गया, एक ओवर में आ गया, एक चौका मार दिया हसन ने जैसे तैसे आ गया। तुम आगे इनिंग्स को लेके जाओ, प्लान करो कि जी 7 विकेट तो तुम्हारी आउट हो चुकी है, तुम वहां से सिंगल डबल कुछ कर कर आके कोई 225-30 तक कुछ तो ले जाने की कोशिश तो करो, वो भी जनाब आउट। हसन अली पे क्या ब्लेम करना यार, वो तो ऐसे ही है, उससे यही उम्मीद है। शादाब को देखें, शादाब को मैंने बोला इफ्तिखार को देखें, अगर चौका मार लिया तो क्या अब तू भाषणियां बजा रहा, सारे निकम्मे निकट्टू सारे गंद आपने इकट्ठे किए हुए हैं, और ये गंदियां देखें क्या बोलूंगा। कल्पेश कह रहे हैं कि जी मैच का मजा खराब कर, बिल्कुल जी मजा खराब कर दिया। ये जो लोग इतने धक्के खा के इतनी टिकटें लेके, बिल्कुल ऐसे टिकटें बिकती हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की जैसे कि कोई जन्नत का टिकट मिल रहा, इतनी इतनी मुश्किल से ये पहुंचते हैं ग्राउंड में, टिकटें इतनी, वो अनुपम गौतम कोई पता नहीं 800 पाउंड की टिकट लेके गया हुआ, इतनी महंगी महंगी टिकटें और जाके ये देखने के लिए, ऐसा बिल्कुल मैच का मजा क्या। आपके लिए तो मजा टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तो एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी टीम ने बिल्कुल चीर फाड़ के रख दिया, तो आप तो एंजॉय कर रहे होंगे। ये हमारे वाले जो क्रिकेट फैंस हैं वो फिर बैठे हुए आज दिल पे हाथ रख के, यार ये टीम है हमारी, एक मैच में जमीन पे और एक पे आसमान पे, अगले में जमीन पे आके गिर जाते हैं। तो जी आपके लिए भी, आप बाकी आप कह रहे हैं और ये बात भी आपकी सही है, बिल्कुल मिनोज की तरह ट्रीट करता है जी इंडिया पाकिस्तान को, और यही ये T20 का मैच नहीं है, 50 ओवर का मैच है, और 50 ओवर में यू नीड स्किल्स, ये 20 ओवर में आउट हो जाते हैं और ये 50 ओवर में क्या करेंगे, ऐसी बेकार क्रिकेट। अनुराग कुमार कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जनाब, शर्म नहीं आती T20 का स्कोर इन्होंने कर दिया ODI में, क्या इसको बोलते हैं जी ग्रेटेस्ट राइवलरी, ये पूरे ओवर खेल लेते 230-235 कुछ कर देते, हद है यार, होल वर्ल्ड इज वॉचिंग, अश्वन होता तो 150 भी ना होता, बस ये अश्वन होता तो अश्वन की कमी कोई महसूस ही नहीं हुई, इसीलिए कह रहा था तीन स्पिनर खिलाए ठाकुर, लेकिन ठाकुर खेलेगा क्योंकि तो भाईजान ये ग्रेटेस्ट तो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान में आप बच जाएंगे, बाकी टीमें जो बड़ी है वहां पे आप फंसेंगे, आप ये जो कंप्रोमाइज करके जा रहे हैं, देखिए ये पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया दी रोने का नहीं, भाईजान आप तो मैच तो खत्म तो होने दे, पिच इज नॉट इजी और बड़ी डिस्कस्टिंग, ओ भाईजान मैच तो खत्म हो गया, अब इस मैच में क्या बचा, 155 पे 2 थे, 191 पे पूरी टीम लटक गई है, 36 पे 8 आउट हो गए, अब इस मैच में क्या बचा, अब आप हमें
तसल्ली दें, झूठी तसल्ली दें या सच्ची तसल्ली दें, शायद के दो तीन ही आउट कर जे, यही बचा। अब देखना यह है कि ये नेट रन रेट पर कितना बड़ा डेंट लगेगा, यह देखना बस बाकी है। अभी भी आप कह रहे हैं जी इसमें उम्मीद से रहे आप, बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से भी क्या अच्छा हो जाएगा भाईजान, यहां से क्या अच्छा हो जाएगा? 36 पे 8 आउट होने के बाद क्या इस मैच में अब बचा क्या? बॉडी लैंग्वेज इनकी जो अब 155 पे 2 आउट थे उसके बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थकी थकी लग रही थी, अब 191 पे आउट होने के बाद ये कौन सा ये वो द हल्क बन के आ जाएंगे? इनकी क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज? बिल्कुल ये तो शोल्डर इनके डाउन होंगे, वहां से क्राउड भी लगा हुआ है वाजे कसने के लिए और रन बोर्ड पे बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरे 391 होते तो शायद कुछ होप होती, 191 पे भाईजान मुझे तो कोई होप नहीं है, बाकी आप कह रहे हैं तो शायद तो यार भाई देखें दुआ ये करें कोई एक दो विकटे आ जाएं, ये ना हो कि विकटे ही ना आए तो बड़ी बेइज्जती होगी। वो जो बड़ा उछलते थे ना 151 10 विकटों से T20 वर्ल्ड T20 वाला, ये आज बड़ा मौका है, देखें बड़ा मौका है इंडिया के पास। अहमदाबाद की पिच है, यस कुछ बालें हो रही है ऊपर नीचे ये मैं मानता हूं, लेकिन भाई जान इतनी या तो ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी कोई कमाल धमाल दिखा दे फिर तो है, वरना बहुत मुश्किल है। श्री मैया भैया कह रहे जी गाली गलोच इज नॉट ऑन, चलो अच्छा हुआ आप लोग नहीं गए, दिस इज नॉट द इंडिया वी वॉन्ट टू शो यू, इंडिया इंडियंस आर मच बेटर देन दिस। नहीं नहीं हम सिमी रमैया साहब सबको कहते भी नहीं, हमने दिल खोल के यहाँ पे लोगों ने इतनी तारीफ की आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, लेकिन आज वाली जब होती है तो फिर सारी बात है बंदे को तकलीफ होती है कि हमारी कोशिश होती है लोगों को करीब लाए, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है लोगों को गालम गलोच करके दूर कर दे। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत अच्छे अच्छे और शानदार इंडियन लोगों से मिलना हुआ है जिंदगी में और बहुत अच्छे अच्छे, बीच में हमारे यहाँ पे भी होंगे कुछ गंदे लोग, वहां हर जगह ही होते हैं, तो आप छोड़ें, आप बहरहाल यू मस्ट बी डिलाइटेड, सिराज ने पहला ब्रेक थ्रू दिया, बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू, अच्छा कप्तान यही होता है, दो ओवर में हमारे मेन बॉलर को पड़ जाते ना 20, हमारा कप्तान कहता है तू छोड़ दे भाई तू आ जा, लेकिन उसके साथ कंटिन्यू किया, उसकी बैक पे थपकी दी कि हाँ तू ही आउट करेगा, और उसने अब्दुल्ला खैर शॉट भी बड़ा घटिया खेला अब्दुल्ला शफीक, पहली बॉल पे गेंद चौका, गेंद अंदर आ रही है और ये खेल रहा है बंदा क्रॉस बैट से सीधे बल्ले से खेल रहे, दो चार अच्छे शॉट मारे और आउट, तो श्री वो सिराज बस अमेजिंग, आप फैन है सिराज के तो उसने भी अच्छे ब्रेक थ्रू दिए, पहली बॉल पे रोहित ने मारा, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे गेंद चौका मारा, चौकी चौथी डॉट, मारो भाई इनको, ये इस काबिल है कि इनको और भी इनको चारों तबक इनके रोशन कर दो, ये जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है ये डिजर्व करते हैं खेलना। आई एम सॉरी फॉर इंडियन फ्रेंड्स रिजवान मोहसिन सर, भवेश भाटिया साहब चले कोई बात नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है कहने लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, कोई जरूरत नहीं कहने की, और इट्स नाइस टू नो दैट सो मेनी पीपल दे आर राइटिंग सच मैसेजेस, जगह अच्छे लोग होते हैं रिजवान सर, कुछ लोग पता नहीं कुछ होते हैं थोड़े से किस किस कोने से आए होंगे ग्राउंड में, वो सिर्फ अहमदाबाद के लोग, हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान की जाहिर है क्रिकेट के फैन है, रिजवान है मोहसिन सर क्या करें, जहर खा लें, इतना सपोर्ट करते हैं हम और यहाँ इंडियन दोस्ती से बैंटर भी चलता रहता है जी, हमारा भी चल रहा था समीर भाई, कैसे फेस करें, अब कैसे फेस करें उनको, बाबर की बैटिंग मसला नहीं सिलेक्शन मसला है, हर लो रैंक से खेलते हैं ये भाई जान, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत है पाकिस्तान और रिटायर्ड लोग होंगे हर फैसला वो करेंगे, हमें मैंने दो तीन साल पहले कहा था, बड़े लोगों ने नाराज हुए, वो कोई डॉक्टर फैसल है मुझे टैग कर रहा था, आपने तो कहा था हमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड, मैंने ये नहीं कहा था 2023 में खेलना पड़ेगा पुत्र, मैंने ये कहा था अगर खुदा ना खास्ता ये रहे, और ये देखिए ये एक चीज तय हो गई है, ना नजम सेठी के पास कोई वो है प्लान है, ना जकाशन तो बिल्कुल ही फारग आदमी है ना, उसे पता ही उसका बेटा चला रहा है बोर्ड, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून PTI ये हुकूमतें चलाती हैं अपने चेयरमैन लगाती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को जबा कर दिया जैसे बाकी स्पोर्ट, और के काटते हैं याशिया करते हैं बेगानत लोग। हमजा खान आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, अब इंसान करे तो क्या करे,
सपोर्ट करते हैं इनको दिल से, और वही गलतियां बार बार। देखे अब नेदरलैंड वाले मैच में 180 पे 6 आउट ऊपर वाले, भाई तुम कैसे 6 आउट हो सकते हो जबकि 18 ओवर बाकी हैं। 32-33 ओवर में पाकिस्तान के 6 आउट हो गए थे नेदरलैंड के खिलाफ भी, टॉप के 6। टेल एंडर्स ने इनको रिस्पेक्टेबिलिटी वाला टोटल दे दिया। और तुमने उस गेम से क्या सीखा? और गेम को आगे लेके जाना नहीं होता, और तुम विकटे चलो ठीक है बाबर की गिरी है, थोड़ा गेम को आगे लेके जाओ। और साउथ से नहीं खेला गया, कोई चाचा जान कोई आगे लेके जाए गेम को, और कोई 40 ओवर तक तो जाओ 4-5 के रन रेट से लेके जाओ, कोई 200 को टच करो 40 ओवर में, अगले 10 ओवर में 5-6 विकटे होंगी, कोई 70-80 रन करने की कोशिश करो, कुछ तो रिस्पेक्टेबिलिटी लेके आओ। ऐसी बेइज्जती वाली हारते हैं ये गेम के बाद, बिल्कुल आपकी सही है, इंसान कोई मुंह दिखाने वाला भी नहीं रहता, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन चले आपका और हमारा या जो सपोर्ट करते हैं उनका इसमें क्या कसूर है। तो दिस स्टोरी कंटिन्यूस, 7-0 के बाद 8-0 भी ऑन द कार्ड्स है, और ये पता नहीं कब जाके ये कोई इनका अंडा टूटेगा। दीपक त्यागी कह रहे जना पाकिस्तान बॉलिंग गिव्स टफ टाइम अंडर लाइट, नॉट इजी पिच। और भाईजान सारी बातें आपकी ठीक है, 191 पे क्या ये T20 वाला रन करके ये 50 ओवर का खेल है, अब इसमें आप हमें कितने दिलासे देंगे। तो त्यागी साहब अब यहां पे आप हमें कितने को दिलासे दे देंगे कि जी मैच अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान अच्छा कर लेगा, बेहतर कर लेगा, ठीक हो जाएगा। रन इन्होंने कितने किए हैं, 191 पे क्या अच्छा हो जाएगा? एक और चौका, गिल ने 3 चौके मारे हैं, सिग्नेचर शॉट्स बाय गिल, ये 191 पे रोक रहे हैं। भाई आपको कहा था पाकिस्तान की बेस्ट बैट है कि स्कोर बोर्ड देखे और खेले, पर आप दोस्त मानते नहीं है। श्री रमैया जी कहेंगे ना मेन रीजन आई लाइक सिराज इज बिकॉज ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल यंग मैन, ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट द टफ बैकग्राउंड ही हैज सम कम फ्रॉम, आई एम सिंपली प्राउड ऑफ मोहम्मद सिराज, ही वॉज अमेजिंग जी। शुरू में इतने मार पड़ी है लेकिन इतना फेबुलस उसने कम बैक किया। गेलानी साहब कह रहे हैं दिस पाकिस्तान पोज नो थ्रेट टू द इंडियन 11, आइडियल 11 ऑफ पाकिस्तान, साहिबजादा फरहान, साहिब अयूब, बाबर, आरिस वेल, चाचू रिजवान, इमाद इब्रार, दाऊद शेन, आधे तो वो ही डाले हुए आपने। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी अपोलोजाइज फॉर जो भी बुरा बिहेवियर था। ददवाल साहब कह रहे हैं ठीक है जी आपका तो इसमें जाहिर है कोई कसूर नहीं है, फिर भी थैंक यू वेरी मच, वेरी सॉरी रिजवान मोहसिन भाई, दीज पीपल आर नथिंग बट बर्डन टू द कंट्री, रियली सॉरी, वी इंडियन डू नॉट सपोर्ट दीज पीपल। सारी बात है कि आप सारों का थोड़ी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ सॉरी फॉर द क्राउड, अप वर्फ साहब भी कह रहे हैं हीट ऑफ द गेम में जनाब मैं कुछ ओल्ड फोटोज देख रहा था जहाँ पे ऑडियंस मेंटेन प्लेयर्स को भी पता जी जो ऐसा करते हैं। अमन दावर जी कह रहे हैं आप मस्ट से आई वाज रियली होपिंग फॉर अ गुड क्लोज गेम, सॉरी टू यू ऑल फॉर द बैड बिहेवियर इन द स्टेडियम, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तान हैपेंस टू पाकिस्तान, 155 फॉर द लॉस ऑफ 2, चार चौके मार, दे शुड हैव एट लीस्ट गॉट टू 285 टू 290, सेम स्टोरी ऑलवेज, 22 पे पहुंच गए जी 2 ओवरों में, तो सेम स्टोरी ऑलवेज, नो डाउट अबाउट इट, मार दिए जी। और ये गेल जो है ये अभी अभी वापस आया, अभी भी पूरा फिट नहीं है, अभी अभी बिस्तरे से होके वापस आया, अभी अभी प्लेटलेट्स भी कम थी, हॉस्पिटल भी रहा है, और यहाँ पे देख लें चौके, और एक हमारे ये हमारे खून चूसने वाली बलाएं, और ये वो चौके पे चौके मार रहा है जो कि 10 दिन से बेड हॉस्पिटल के बेड पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और ये वाले हमारे वाले जो के मैदान में मौजूद हैं, पिछला मैच अच्छा जीत के आए हुए हैं, और ये हालत है इनकी, ये हालत है इनकी, बेशर्मी की सारी हदें पार कर गए हैं।
आदि साहब कहेंगे रिजवान बाबर कब बड़े गेम में, भाई जान मुझे नहीं पता कब करेगा, हम तो इसी उम्मीद में क्या क्या के थक गए हैं और वी डोंट नो। 155 पे दो और 191 पे छुट्टी, ये तो 300 करके भी 36 पे आठ कहे ना यार, 36 पे आठ गए, 155 को क्यों गिन रहे हैं, 36 पे आठ ये इनकी। बाबर, रिजवान, सऊद, इफ्तखार, शदाब, नवाज, अपना रऊफ और हसन, माशाल्लाह ये आठ विकेट गिरी हैं। ये गिल का ये एडवांटेज है रिजवान साहब कि ये सारा प्रेशर हटा देता है, सारा प्रेशर हटा देता है रोहित पे से। ये मैच खेलने गए हैं जी, वर्ल्ड कप का मैच खेल लिए हैं इंडिया से, ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये बड़ा मैच खेलेंगे। आउट हो गया शाहिन शाह अफरीदी ने, आउट कर दिया गेल को। शादाब ने कैच पकड़ा और शाहिन ने कहा था मैं पांचा, आज फिर शाहिन तेरा पांचा ही चाहिए अगर जीतना है तो। पॉइंट पे कैच पकड़ा बड़ा कमाल का, फिर दो पिलर्स जो हैं इंडियन क्रिकेट के इकट्ठे हो जाएंगे। पिलर तो इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमने पिलर ऑफ पिलरी किया हुआ है काम। सही कह रहे हैं भाई रिजवान को, हर मैच में तो हम नहीं कह सकते कि वो स्कोर करे, ये बात हम मानते हैं। चलो ठीक है, वो जो भी 49 करके गया, लेकिन वहां पे ये बाबर रिजवान को तुम लोगों ने हार्ड वर्क कर लिया, ऐसा भी नहीं है कि बड़ी तेज पार्टनरशिप आई है तुम लोगों की, ठीक है, मतलब 82 रन्स की यही सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी रिजवान, 70 गेंदों में 50-55, ठीक है ओके, 100-125 गेंदे खेल गए, 80-85 जो भी किया है सही है, लेकिन उससे आगे के रन जो थे वो टीम के लिए थे। ये तो आपने 49-50 कर लिए ना, आपने आगे वाले जो 25-30-35-40-50 करने थे वो टीम के लिए करने थे, उस पे जाके कुछ ना कुछ बात बननी थी। और लोग तो कह रहे ना ये 350 वाला पिच था, 350 वाला नहीं था, नहीं नहीं 350, 280-290 पे आप देखते हैं कि मैच बनता, 270-280 पे, बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉल कुछ जो सारी बैठ रही थी, जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल बेल्टर था, तो बिल्कुल बेल्टर नहीं था ये, बेल्टर पे, लेकिन ये 191 वाला भी नहीं है रिजवान, 191 वाला तो है ही नहीं ना, 250 वाला बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो तो ये चेन्नई में भी गिरा दें तो 191 तो उधर भी मतलब नहीं है, ये तो चेन्नई में भी 200 इंडिया ने जिस तरह किया, ऑस्ट्रेलिया हो गया 200 पे आउट, लेकिन ये पिच 350-350 वाला तो नहीं था, लेकिन 191 वाला भी नहीं था, चौका, इन्होंने बेशर्मी की हदें सारी पार की हैं, 270-280 पे यहाँ पे इस पिच पे मैच बनना था। रोहित का चौका, हाँ मौसम के पास पेस ही नहीं है, या जियो वाले इफ्तिखार के घर भेजे, आज हम ये कर देंगे इंडिया के मैच में, हसन अली आज मैं यूं कर दूंगा, फलाने के घर आज मैं यूं कर दूंगा, जेड़ा वेला लपाड़ा भेजा होता है आज हम ये कर देंगे, अबे मुंह बंद रखो, खेलो पहले, कोई परफॉर्मेंस दो फिर अपना मुंह खोलो, परफॉर्मेंस जीरो, और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ये कर देंगे।
बातें करा लो इनसे, बस बातें। थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, काफी लोग कह रहे थे जी वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके रन डालने चाहिए और ऐसा वैसा। तो आपसे ये बोला था कि पाकिस्तान की टीम जब टारगेट सेट करती है तो बिल्कुल ही ठुस हो जाती है, हाथ पांव फूल जाते हैं। उनके लिए बेस्ट बैट ये है कि चेस के लिए, और वो भी 260 70 80 मैक्सिमम, गेंद नीचे रह रहा है। देखें ये गेंद भी नीचे रह गया और रोहित भी जल्दी कर रहा है और बिल्कुल विकेट के पास से गुजरा है। अनइवन सा बाउंस है भाई, अनइवन बाउंस है पिच में। ओए 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 ओए, एक और चौका जी। Four overs, 31 for the loss of one. Third class batting. Pakistan ki. To sahara Pakistan ki hai, aur kis ki honi hai. Abhi batting India kar rahe hain. Char overon mein 31, to 8 ki ausat se aap filhal ja rahe hain. Hamare tuk tuk master jo the, tuk tuk master. सिंगल लिया जी विराट ने, भाई ये ओवर देखते हैं फिर आपसे मैच के बाद मुलाकात होगी। सौरभ गंगुली दाढ़ी रख ली है, हल्की हल्की दाढ़ी रखी थी, आ गई होगी। जैम पैक स्टेडियम एंड दिस इज व्हाट दे डिड, वाओ। निकल का मारा तो है लेकिन थर्ड मैन पे गया, कॉन्फिडेंट तो नहीं था ये शॉट, सिंगल खैर आया।
चलो ठीक है भाइयों, देखो फिर मैच मुलाकात होती है।